अब यही निवेदन जल्द से जल्द आप मैदान में पहुंचे और सभी से रिक्वेस्ट है हमारे बैट्समैन बॉलर से कि कृपया कर आप सभी एक चीज का ध्यान रखें, खासकर अगर आपको बैट चेंज करना हो, बॉल चेंज करना हो, यू हैव टू फर्स्ट इन्फॉर्म द एम्पायर एंड आफ्टर दैट बिटवीन द ओवर कोई भी बैट नहीं चेंज कर सकता है. बिटवीन द अगर आपका बैट जब तक टूटता नहीं है तब तक, खासकर अगर आपको बैट चेंज करना हो तो आपको ओवर के पश्चात ही करना है. आप कोई भी बैट जो है विकेट पर छोड़कर नहीं आ सकते हैं. तो कृपया अगर आप सभी अपने इमोशंस का ध्यान रखें और इस जो गेम के डिसिप्लिन है उसे बरकरार रखें. एक बार फिर से एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खिलाड़ीगण कृपया ध्यान दें, सभी से निवेदन कि आप सभी इन सर्किल आउटर सर्किल बाउंड्री रोप के अंदर कोई भी बैट बॉल न छोड़ें. और अगर आपको बैट चेंज करना हो किसी भी परिवर्तन में तो आपको आफ्टर द ओवर यानी कि उस ओवर समाप्त होने के पश्चात ही करना होगा और वो भी पहले एम्पायर को इन्फॉर्म करना होगा अनलेस आपका बैट टूटे ना. और ये देखिए कुछ शानदार दृश्य यहां पर आपको अभी आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर. एम्पायर्स दोनों यहां पर होंगे जो बॉल को उठाएंगे वहां से पिक करेंगे. स्प्रिंटर्स चौधरी क्लब की बॉल, एक तरफ अशोक शर्मा वहां पर आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ देव शर्मा हैं, शर्माओं की जोड़ी और ट्रिपल शर्मा यहां पर आप सभी के साथ कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद, यानी कि हर्षित शर्मा. तो दोनों ही एम्पायर्स तैयार हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में बड़े जल्दी जुड़े रहेंगे. रिजवान चांद जी पर ही देखिए माहौल, देखिए किसी इंटरनेशनल मैच से बिल्कुल कम नहीं लग रहा है. और जैसा कमल बागड़े जी ने कहा भी कि वो पहले लॉर्ड्स कहना चाहते थे बट लॉर्ड्स के पश्चात उन्होंने देखा जब भारतीय सरजमी पर सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक ईडन गार्डन्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े, बिल्कुल उन्हीं मैदान की तरह यहां पर छाया हुआ है. और कल हमारे चीफ गेस्ट ने भी कहा और क्या बात है, यहां पर एम्पायर्स के भी अब नाम आप सभी के सामने फ्रेम अप होते हुए देख रहे हैं. देव शर्मा एंड अशोक शर्मा फ्रॉम सीकर एंड बाड़मेर. बालाजी यूपी 11 भिड़ेगा इस मैच में राका आर्मी 11 के विरुद्ध. और जैसा हमारे दर्शकों की तरफ से प्रिडिक्शन है कि इस मैच में बहुत सारे चौके और छक्के आप सभी को लिखते हुए दिखाई देंगे. और मैं चाहूंगा क्या हमारे जो टॉप एंगल के कैमरामैन है वो यहां पर उन कैमरामैन पर फोकस कर सकते हैं जो वहां पर विकेट पर मौजूद है अभी, क्योंकि वो जिस तरह से यहां पर काम कर रहे हैं देखिए वो पिच वहां पर दिखाने की कोशिश है कि किस प्रकार का ये विकेट नजर आता है. क्रैक्स आपको बिल्कुल नहीं नजर आते हैं और देखिए क्रैक्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना. बट ये देखिए कैमरामैन जिस तरह से हमेशा करीबन 3-4 किलो के आसपास का वो कैमरा होता है हमेशा होल्ड करके रखते हैं, संदेश वहां पर वो मौजूद है ऑन फ्रेम और बहुत ही बेहतरीन कार्य. ये देखिए आप जिस तरह से वो जो वेट है उस कैमरे का, रिजवान चांद जी जानते हैं कि कितना वो भारी होता है और उसे लगातार अपने कंधे पर अपने हाथों में एडजस्ट करके रखना, एम्पायर्स के लिए दिन रात शाम खड़े रहना आसान नहीं होता. बॉल बॉय की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा सभी बॉल बॉयज, क्योंकि जैसे गेंद पीछे जाता है अगर वो बॉल बॉयज नहीं हो तो शायद हर मैच में 15 मिनट और लगे रिजवान चांद जी. बट बॉल बॉयज जो है विक्टर स्पोर्ट्स अकेडमी के सभी खिलाड़ी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. और ये हर्डल बनते हुए चौधरी बालाजी यूपी 11 और लोगो आप देख सकते हैं दोनों का. और कौन देख रहे हैं यहां पर हमें सलामी बल्लेबाजी के तौर पर, लीजिए करिश्मेटिक कौशल और उनके साथी खिलाड़ी एक बार फिर से तैयार हैं और दोनों ही देखिए अपने बल्ले के साथ तैयार. स्पेशल नया बैट वहां पर लेकर आए कौशल जी इस मैच के लिए, लकी बैट है. इस बैट से उन्होंने लगभग 9,500 रन बनाए हैं और आप देखते हैं किस तरह से मैच जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, कौन स्ट्राइक लेगा कौन नॉन स्ट्राइक लेगा.
और यहां पर देखिए आपको कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आने वाले हैं बालाजी यूपी 11 में। अलीगढ़ से कुछ ऐसे खिलाड़ी जो चैलेंज मास्टर माने जाते हैं, वो वन हैंड सिक्स लगाने के लिए अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। पर चलिए मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सभी का ध्यान हम जो है केंद्रित करना चाहेंगे एक बार फिर से आप सभी के साथ। बी हियर विद अस, ये मैच होने जा रहा है शुरू। टाइम टू बिगिन द बिग बिग एंड द वेरी बिग मैच इन अ टैंडम, जहां पर आपको बहुत ही ब्रूटल प्लेयर्स नजर आने वाले हैं, बहुत ही लीथल मैच की हम सभी उम्मीद करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस बड़े मैच में। हो चुकी है इवनिंग, शुभारंभ शुभ संध्या, और क्योंकि 38 से 40 मिनट दिए जाते हैं हर टीम को यहां पर। और चलिए यहां पर रॉका आबी 11 एक बार फिर से यहां पर बल्लेबाजी पर शुभा, दो बल्लेबाज तैयार हैं और एक तरफ कौशल तो दूसरी तरफ वहां पर प्रशांत वहां पर आपको नजर आते हैं, टीवी कप्तान ने कहा, और टीम के मेंटर के रूप में भी सभी साथी वहां पर मौजूद हैं। राइट हैंड ऑफ विकेट के साथ गेंद लेट कट वहां पर शॉट खेलने की कोशिश थी, डेड बॉल करार दी जाएगी, हालांकि बल्ले से पहला रन आ रहा था, सीधा पोल पर जाकर वो गेंद लगाए। प्रशांत मीना यहां पर आपको नजर आते हैं गेंदबाजी अटैक पर, वहां पर आपको बहुत ही शातिर बहुत ही अव्वल दर्जे के गेंदबाज नजर आते हैं। और देखते हैं चलिए अगली गेंद की तरफ लेकर चलते हैं, अगली गेंद चौथी पहले ओवर की, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास एक बार फिर से क्या गैप में धकेले में यहां पर पूरी तरह सक्षम हो पाए हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, और इसी के साथ पहला रन यहां पर बल्ले से बहता हुआ नजर आएगा। और अब आते हुए हार्ड हिटर बल्लेबाज कौशल स्ट्राइक पर, हरफन मौला खिलाड़ी हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे से बल्लेबाजी करेंगे और शुरुआत आराम से करना चाहेंगे। अच्छी शॉट, पहली गेंद पर रन आउट का भी मौका बन सकता है, अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित तौर पर जो है मामला थोड़ा सा वहां पर नजदीकी हो सकता था, बट कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पहला रन यहां पर कौशल के बल्ले से। और देखिए 10,000 दर्शक एक साथ झूम चुके हैं कौशल के बल्ले से जैसे ही पहला महत्वपूर्ण रन आया है, आवाजें शोरगुल, रॉका आर्मी 11 क्या फैन फॉलोइंग है इस टीम की, बालाजी यूपी 11 भी पूरी तरह से बेकरार। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, पांचवी पहले ओवर की, इस बार अच्छा चौर बैकफुट से जाकर, क्या वो पहली बाउंड्री की तरफ वेलकम बाउंड्री देखने जा रहे थे, बैकफुट से जाकर पंच किया शॉट स्क्वायर और कवर की दिशा में, और देखिए दर्शक कितना लुफ्त उठा रहे हैं इस मुकाबले का, किस तरह से दर्शक जो है अपनी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं इस मैच को। रॉका आर्मी 11 का यह मुकाबला बालाजी यूपी 11 से, और चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, अपील बहुत ज्यादा तेज है, और यहां पर देखते हैं कि कौन आउट हुआ है,
और कौशल सिर्फ 99 रनों से चूक गए अपने शतक से। एक बहुत ही बड़ा विकेट वहां पर आता हुआ, पारी किनारा था, बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है, और मछली नहीं तो मगरमच्छ को जाल में फंसाया। कौशल की एक बहुत ही बड़ी विकेट यहां पर आती हुई, गेंदबाज बहुत ज्यादा खुश हैं, जानते हैं कि सबसे बड़ा विकेट वहां पर उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्राप्त किया है कौशल का। और चलिए यहां पर क्या एक और विकेट हो सकता है, क्या यहां से एक और बड़े बल्लेबाज को बाहर भेजा गया है। शॉट खेलना चाहते थे कवर पर, शॉट खेलना चाहते थे कवर पर, बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां पर किया, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, बट सीधा वहां पर बॉलर के हाथ में गेंद गई और रन आउट वहां पर होते हुए नजर आए। और देखिए चौधरी रेल कप के बहुत सारे साथी जो हैं, राका आर्मी 11 और बालाजी यूपी 11, दोनों ही टीमों को बहुत सारा सपोर्ट वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा खेलना चाहते हैं, इसमें कोई वहां पर दोहराए नहीं और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चार के स्कोर पर यहां पर विकेट्स का थोड़ा सा पतझड़ सा लगा है, शुरुआती दो बड़ी जल्दी विकेट हुई है। बालाजी यूपी 11 जानती है कि कितना जरूरी, क्योंकि यही यहां पर पता चला कि 11 नंबर तक बल्लेबाजी है, राका आर्मी 11 में 11 नंबर तक आपको बल्लेबाजी नजर आती है। अब देखते हैं कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा दूसरे ओवर के लिए, पहला ओवर तो अच्छा घटित हुआ था। चलिए अगली गेंद, अच्छा पुल शॉट, बहुत ही अच्छा पुल शॉट यहां पर, बहुत ही क्लासिकल पुल खेला। जी और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर, बहुत ही अच्छा प्लेस किया, डीप स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिल्कुल डीप स्क्वायर के ऊपर से अच्छा कट शॉट। ऐसे ही शॉट्स की यहां पर आवश्यकता होगी जिस तरह से यहां पर लगातार आप खेलना चाहते हैं। अच्छी गेंद और अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर आपको नजर आते हैं, बहुत ही अच्छी काबिले तारीफ बल्लेबाजी करना जानते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है क्रीज पर मौजूद। स्कोर टेकर पर जरूर स्कोर यहां पर अपडेट करेंगे सभी साथियों के साथ। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी लाइन पर, अच्छी लेंथ पर यहां पर गेंद, आराम से खेलने की कोशिश, लेंथ को आराम से बरकरार रखना चाहते हैं, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रैप किया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर आसानी के साथ हल्के हाथों से खेला। यहां पर अच्छा शॉट है, यहां पर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर ड्राइव पर अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, क्या सही समय पर अपने हाथ से गेंद को छोड़ दिया था, यह देखना बेहद जरूरी होगा। अपने लेफ्ट हैंड से गेंद को पकड़ा था, उसके पश्चात छोड़ने का प्रयास था, क्या सही समय पर हाथ से निकाल पाए थे गेंद को, इसे जरूर चेक ऑन किया जाएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड जो है वो लगातार बढ़ेगा, अच्छी कवर ड्राइव, अच्छा कवर की दिशा में शॉट, राका आर्मी 11 इस बार हवा में, गेंद कितनी दूरी यहां पर इस शॉट में है, बिल्कुल उतनी दूरी थी जितनी शायद फील्डर तक पहुंचाए, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद, बड़ी विकेट, एक और खिलाड़ी बाहर जाते हुए, वन मोर विकेट डाउन 11 फॉर टू, दो ओवर की समाप्ति ऑलमोस्ट डन।
थ्री विकेट्स डाउन एंड दो ओवर्स की समाप्ति अभी. राका 11 जैसे बहुत ही तगड़ा टीम कह रहे थे हर्षित, बट पावर प्ले के अंदर ही बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे हैं इनके. ऐसे देखते हैं इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है या प्रेशर में आ जाते हैं खिलाड़ी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है एंड प्रोजेक्टेड स्कोर थोड़ा कम दिखाई देता है. करंट रन रेट इज 6 विच इज क्वाइट स्लो आउट देयर एंड योगेंद्र के टेक्स दिस विकेट डाउन. और दो ओवर के पश्चात अब 11-3 विकेट के नुकसान के बाद जो स्कोर है, अब देखते हैं कि कौन अपनी टीम को कैसे वापसी दिला पाएगा, क्योंकि वापसी करना, रिसर्जेंस करना, द बाउंस बैक काउंटर अटैक आर ऑलवेज मोर हिस्टोरिकल देन एवर. तो क्या यहां पर एक अच्छी वापसी, और जब तक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर उनके लिए क्रीज पर मौजूद है तब तक बिल्कुल वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी पारी खेलने का मौका होगा. चलिए संभल कर खेलने की कोशिश, कप्तान यहां पर यही चाहते हैं लगातार अपनी टीम के साथ वहां पर खेलते चले जाएं और एक अच्छा स्कोर वहां पर बनाएं. जी हां, राका भाई और साथ ही साथ वहां पर सतू जी मौजूद. कमल गेंदबाजी अटैक पर एक बार फिर से आपको नजर आ रहे हैं 2.123 विकेट के नुकसान के बाद. और बिल्कुल प्रोमिता, जिस तरह से आप कह रही थी कि जो एक बहुत बड़ा विकेट शुरुआत में गिरा, जो पहला विकेट गिरा कौशल, अगर उनका विकेट वहां नहीं मिलता तो अभी जो 12 का स्कोर है वो शायद 50-52 के आसपास का स्कोर होता, बहुत मुश्किलात हो सकती थी बालाजी यूपी 11 के लिए. इसलिए बहुत बड़ा विकेट शुरुआत में ही प्राप्त किया. इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था यहां पर सत्तू, और साथ ही साथ वहां पर राका भाई मौजूद है क्रीज पर. रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, प्ले एंड मिस. और कौशल जी को हमने नेट्स पे देखा है, जिस प्रकार से वो नेट्स कर रहे थे प्रोमिता, बड़ी इंस्पायरिंग बैटिंग वहां पर नजर आ रही थी आपको भी उनकी. डेफिनेटली बट विकेट्स बैक टू बैक वो एक चीज भारी पड़ सकता है. जी इस बार भी अच्छी गेंद, कमल यहां पर पूरी तरह से खिलाना चाह रहे हैं अपना सर्वस्व प्रदर्शन. बालाजी यूपी 11 टीम के कप्तान भी कमल बागड़िया, जो एक बहुत ही बड़े मिस्ट्री बॉलर. जब तक राका भाई वहां पर क्रीज पर मौजूद है तब तक कोई भी स्कोर असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल में भी वो आता है ना, आई एम पॉसिबल. इस बार भी अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस. यहां पर भी सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ. इस बार फिर से की गई है अपील, यहां पर एक बार फिर से की गई है. हालांकि शायद थोड़ा सा लगा था पैर के ऊपरी हिस्से पर जाकर वो गेंद लगा, बल्लेबाज ने दर्शाया भी. चलिए इस बार भी यहां पर नीचे की तरफ डिप होती हुई एक और बार यॉर्कर लाइन गेंद, एक बार फिर से निचले क्रम पर वहां पर चाकर लगती हुई दिखाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि विकेट विकेट लाइन पर बॉलिंग करने की कोशिश रहेगी. और ये तीसरा ओवर यहां पर आपको नजर आ रहा है पावर प्ले का अंतिम कुछ आपको क्रम नजर आएगा. बालाजी यूपी 11 इसमें भी बड़े बड़े सितारे वहीं पर आपको नजर आते हैं. अगर आप राका 11 में देखें, राका आर्मी 11 में देखें, तो उसमें भी आपको बहुत बड़े बड़े टीम नजर आती है. इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था सत्तू और राका भाई दोनों यहां पर बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाना चाह रहे हैं. जब जब मौका मिल रहा है कोशिश करें कि यहां पर एक बड़े बड़े शॉट्स को इजाद किया जाए. यहां पर जो है वो एक और ओवर समाप्त हो चुका है, पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है. और पावर प्ले की समाप्ति के पश्चात स्कोर अपडेट कराना चाहेंगे प्रमिता, क्या स्कोर है और यहां से कैसे वापसी कर सकता है अब राका आर्मी 11.
स्कोर्स एट द एंड ऑफ पावर प्ले 13 for 3। एंड अभी तक के देखे पावर प्ले के स्कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हर एक टीम पावर प्ले के अंदर स्कोर्स बनाता है बियॉन्ड 30। लास्ट टीम्स अगर हम देखें तो वो 40-48 का आंकड़ा कर चुके थे। अभी तक के पावर प्ले के अंदर सबसे लो स्कोर्स रहा है। एंड राका 11 बहुत स्ट्रांग टीम है जैसे हर्षित कह रहे थे, बट अभी भी 7 ओवर्स और बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है आगे। 13 for 3 एंड यस राका भाई एंड सत्तू ऑन स्ट्राइक राइट नाउ। और अब चौथे ओवर की शुरुआत, द ओवर नंबर 4। और चलिए चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है, वो एक बहुत ही अव्वल दर्जे के साथ शुरुआत जिसकी आप बात कहते हैं वो आप देखना चाहते हैं। टीम से इस बार फिर से खेलना दिशा और दिशा में चाहते थे क्या, दिशी और दिशा के साथ यहां पर सिंगल प्राप्त करेंगे और अच्छा कॉल के साथ एक एक रन के साथ विशाल का स्कोर की तरफ आपको अग्रसर होना होगा, विच इज द मोस्ट पिवोटल थिंग इन दिस मैच कि आपके लिए कैसे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज रन बनाएंगे, कैसे आपके लिए एक दोहरी वहां पर बल्लेबाजी को देख सकते हैं। और देखिए आप जिस प्रकार से आसमान में हमें नजर आ रही दूधिया रोशनी में हल्की हल्की ड्यू आपको ऑलरेडी यहां से गिरती हुई दिखाई दे रही है, जब आप लाइट्स की तरफ देखते हैं तो इससे पता लगता है कि दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। इस बार हवा में शॉट है, ये क्या चापे किया है वहां पर, कितना दूरी उसमें है, बिल्कुल उतनी दूरी है जितनी दूरी यहां पर होनी चाहिए थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट। और चलिए इस बार यहां पर सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने की कोशिश, देखते हैं कि इस बार कितना अच्छा संपर्क हुआ है, चौको छक्कों के साथ बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट यहां पर करते हुए नजर आए। अगली गेंद इस बार भी यहां पर पीछे से पंच किया बैकफुट पर चाकर, ज्यादा वहां पर कुछ भी ओवर कोशिश नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से बड़े बड़े विकेट्स एट द शुरुआत में वहां पर प्राप्त किए राका हम 11 के विरुद्ध बालाजी यूपी इलेवन में बहुत ही बेहतरीन टीम आपको नजर आती है जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम
अच्छी गेंद, पर देखिए कमल बगड़िया जी अगर ऑफ स्पिनर हैं तो निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को पसंद करेंगे गेंदबाजी करना, अगर वो रिस्क स्पिन ज्यादा करते हैं तो जरूर उनके विरुद्ध वहां पर वो नहीं डालना चाहेंगे। बट कमल बगड़िया जी जिस प्रकार से उनके पास अनुभव है, जिस प्रकार से उन्होंने इतने सारे विकेट चटकाए हैं, मिस्टर स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए अभी जाने लगे लोग वरुण चक्रवर्ती को, पहले सिर्फ कमल बगड़िया जी को जानते थे मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर, अजंता मेंडिस के जमाने के वहां पर गेंदबाजों में से एक है। यहां पर कैच छूटा है, क्या रनआउट का मौका हो पाएगा? रॉन्ग एंड पर क्या थोड़ा सा वहां पर थ्रो था, कैच की अपॉर्चुनिटी थी, कैच वहां पर ड्रॉप हुआ। कैप्टन जरूर कूल रहने के लिए अपने फील्डर्स को कह रहे हैं कि आपको कूल रहना है, कंपोज रहना है, जब जब गेंद हवा में हो आपको सिर्फ गेंद पर वहां पर ध्यान देना है। और तारीफ सौरभ की भी करनी होगी जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां से निश्चित तौर पर बल्लेबाज को फ्लाइट दे रहे हैं, वहां पर टर्न लेती हुई अंदर आती हुई गेंद, कई गेंद अंदर अगली गेंद बाहर, कभी कैरम बोल, काफी तर्कस में तीर है इस गेंदबाज के। आप देख सकते हैं प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल यहां से। अब ये देखिए जैसे बल्लेबाज ने देखा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जा रही है, कांटा बदलते हुए अंदर की तरफ आई है गेंद। क्वालिटी गेंदबाज हैं सौरभ, बिल्कुल बताया है उन्होंने, दिखाया है। तो कहीं ना कहीं इस जो यूपी 11 है, चौधरी बालाजी यूपी 11 स्पिन गेंदबाजी है वो बड़ी कमाल की है इस टीम के पास। सौरभ भी कहीं ना कहीं गति परिवर्तन करते हैं। आप अगले ओवर में संभवतः कमल जी को देख सकते हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है, कमाल की कदमों का इस्तेमाल किया है इस बार वहां राका भाई ने। इस बार और एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग यहां पर अभी जो फ्रेम अप हुआ था कुछ दिन पहले कि राका भाई के आगे कोई कर सकता है क्या, और क्या गेंद के विरुद्ध वहां पर स्टेप आउट करके शॉट खेला, इनके आगे कोई ऐसी गेंद डाल सकता है क्या, क्या स्टेप आउट किया था, क्या डीप एंड विकेट दिशा में शॉट खेला। और कप्तान ने टॉस के दौरान भी कहा कि हमेशा चौधरी क्लब के साथ उनका जो जुड़ाव है बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस रहा है, और उतना ही एफर्टलेस शॉट वहां पर हमें नजर भी आया हमारे सभी साथियों के साथ। बिल्कुल राका भाई कप्तान सीना तान का मान का ये शॉट खेला है उन्होंने, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया था। एक बार पुनः इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन को चुना है, क्या क्लियर कर पाएंगे इस बार, केज ड्रॉप हुआ वहां पर। और ये प्रेशर भी होता है जब जब आपका बड़े बल्लेबाज का केज होता है तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है क्षेत्ररक्षकों पर भी, और वही देखने को मिला यहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में केज ड्रॉप हुआ। कैचेस ऑलवेज विंस यू मैचेस, दूसरा कैच वहां पर सौरभ की गेंद पर शायद ड्रॉप हुआ है रिजवान जी अगर मैं गलत नहीं हूं, दूसरा कैच हल्का सा वहां पर क्या लाइट फैक्टर था, क्योंकि कभी कभार जब गेंद ज्यादा ऊंची जाती है तो वो लाइट हल्की सी आंखों में आती है, बट जो लाइट का डायमेंशन है वो बहुत ही अच्छा रहा है इस बार। मे भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं गेंदबाज कभी भी खुश होते नहीं इस प्रकार के क्षेत्ररक्षण से, क्योंकि गेंदबाज उम्मीद करता है आपसे, टीम गेम है, वो गेंद डाल सकता है, बाकी का कार्य है वो साथी खिलाड़ी को करना होगा। और तारीफ करनी होगी हमारे ड्रिंक्स मैन की, इस बार देखिए शिहाग जा रहे हैं वहां पर, और क्या कमाल की एफर्ट, संभवतः ये भी एक रिकॉर्ड है, 7 सेकंड में वो विकेट पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही अगर ओलंपिक्स में वो दौड़ेंगे तो हो सकता है बड़ी जल्दी इंडिया के लिए मेडल भी ले आए वहां पर। बट अभी यहां पर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 32 का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के बाद, 5 ओवर 32 for 3 विकेट डाउन। आइए एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ छोड़ जाएंगे इन द कॉम बॉक्स। 5 ओवर समाप्त, 32 3 विकेट के नुकसान के बाद 16 रन पर बल्लेबाजी करते हुए राका भाई, और गेंदबाजी अटैक में सभी गेंदबाजों ने अभी तक विकेट चटकने का लगातार प्रयास किया है। एक बल्लेबाज रन आउट हुए हैं, 2 गेंदबाजों के खाते में 1-1 विकेट गया है। योगेंद्र जिसमें बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं, कमल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, सौरभ भी वहां पर आप उनसे गेंदबाजी की उम्मीद करते हैं, बट अभी पार्टनरशिप धीरे धीरे फ्रेम अप हो रही है। छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आप सभी के साथ विद इन अ फ्यू मिनट, जिसमें आप सभी के साथ कॉम बॉक्स में जुड़े रहेंगे रिजवान जी एंड प्रमिता।
आता हूँ मैं ना, मिलता हूँ मैं, आता हूँ मैं, करता हूँ कॉल, करता हूँ कॉल, करता हूँ। लास्ट मैच इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज का सही काम, वहां पर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया वहां पर 6 रनों के लिए। और ठीक हमारे को बॉक्स में हमारे साथ हमारी टैलेंटेड को कमेंटेटर को एंकर प्रोमिता से बिल्कुल जुड़ी हुई है। एंड स्कोर्स अभी राका भाई के बारे में बात कर रहे थे, द टीम कैप्टन 12 रन में 22 रन 5 ओवर्स में 39 for 3। येट अगेन मैं जैसे बात कर रही थी पावर प्ले के टाइम पे ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, बट रन रेट कम होती हुई लग रही है और थोड़ा रन चाहिए होगा। एंड गुड बॉल आउट देयर फ्रॉम प्रिंस, काफ़ी सोच के साथ बॉलिंग हो रहा है वहाँ पे अगर हम देखें तो। चौधरी बालाजी यूपी, क्या कहना चाहेंगे इस टीम के बारे में? बिल्कुल एक पार्टनर से बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से पहला विकेट 4 पर गिरा था, दूसरा विकेट 4 पर, तीसरा 11 पर और वहां से अच्छी बल्लेबाजी। इस बार पुनः खेला है उपस्टंप की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा और पार्टनरशिप हमेशा से आपको आगे की तरफ लेकर जाती है। बाकी खिलाड़ियों का भी कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है, यहाँ से इंक्रीज होता है। तीसरा विकेट गिरा था संभवतः उस समय 11 रन था, स्कोर नाजुक स्थिति में थे और वहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने, अब बात करें राका भाई इस टीम के कप्तान है, कप्तानी पारी खेलते हुए यहाँ से 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैक्सिमम लगाए हैं। इस बार क्या पकड़ा जाएगा खेज, थोड़ा सा वहाँ पर नियंत्रण में थे नहीं, 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात यहाँ से, और जब जब आप रोटेशन की तरफ जाते हैं, जब जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, गेंदबाज दबाव में नजर आते हैं, विपक्षी टीम के कप्तान भी दबाव में नजर आते हैं, कभी भी आसान रहता नहीं है, अलग अलग बल्लेबाजों को अलग अलग गेंदें डालना वहां से। इसी बीच ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, वाइड का इशारा, और कभी भी एक भी किसी भी गेंदबाज के लिए आसान रहता नहीं है क्योंकि प्रत्येक बल्लेबाज की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है, तो उसी पर गेंदबाजी करना होता है। बहरहाल कप्तान कमल बगड़िया प्रिंस को लेकर आए हैं, इस बार प्रिंस एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, संभवतः इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक बेहतर पार्टनर से बिल्डअप होती हुई यहां से, दिशाहीन गेंद थी, a boundary by Raka bhai, 27 of 15 balls and dekhte hain prince ne bhi kafi acha koshish kiya hai in this bowling unit, economy itna khas nahi tha but he's given his best and this is a partnership between Raka bhai and Sattu for Raka army. Is baar khela hai khatra wahan par, fielder gend ke niche hawa mein gend, सफलता मिलती हुई लंबे समय के बाद कप्तान का शिकार किया यहां से। That's a loss. चौथा विकेट, फोर्थ विकेट डाउन। बट अगर हम लास्ट मैचेस की भी बात करें, लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में भी जो आ रहे हैं बैट्समैन वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्रूशियल ओवर्स दे रहे हैं। और अगर हम, आपको याद होगा आईपीएल का मैच रिंकू सिंह, कैसे भूल सकते हैं वो मैच, वो एक इतिहास में वो मैच कोई नहीं भूलने वाला, जब कोलकाता नाइट राइडर्स एकदम हारने के मोड में था एंड रिंकू सिंह के वो 5 छक्के एकदम बिलो डाउन दी ऑर्डर एंड वो बैटर भी नहीं है बट उनसे ये उम्मीद किसी ने किया नहीं था, बट हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, उन्होंने क्या शानदार पारी खेली। तो हम कभी भी लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को भी जज नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में रिजवान सर? अब बिल्कुल आप बात कर रहे थे रिंकू सिंह की, वो एक बात रहे ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस समय बिल्कुल सुर्खियों पर हैं, जब से वो 5 छक्के लगाए हैं, इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर के रूप में भविष्य का अगर कोई देखा जाता है, जिस खिलाड़ी में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की झलक देखी जाती है तो वो रिंकू सिंह है, क्योंकि उस बंदे ने करके दिखाया, बैक टू बैक करके दिखाया है। उस दिन 5 अंतिम ओवर में 30 रन कभी भी आसान रहते नहीं, अगर आप वीडियो गेम खेले वहां भी 30 रन आसान नहीं होते, उन्होंने रियल गेम में वो करके दिखाया है, रील और रियल का जो फासला होता है उसे खत्म करके दिखाया है। इसके अतिरिक्त 2-3 मुकाबले और भी उन्होंने अंतिम ओवर में 20 रन 22 रन बिल्कुल चेज किए हैं और वहां से टीम में जगह भी मिली, क्योंकि भारत को आवश्यकता भी है कैसे फिनिशर की, युवराज सिंह के बाद, महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऐसे फिनिशर की आवश्यकता, और रिंकू सिंह बिल्कुल उस पर
खड़े भी उतरे हैं और उसके तुरंत बाद उन्हें स्क्वाड में शामिल भी किया गया और भारतीय जो टीम ने जो स्वर्ण जीता है एशियन गेम्स में, वहां उस टीम के सदस्य भी थे, वहां भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो वो कुछ पारियां होती हैं जो आपको आगे की तरफ लेकर जाती है, आपकी दशा और दिशा वहां से तय हो जाती है। और रिंकू सिंह नो डाउट आने वाले समय के भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हैं, वो रहने वाले हैं। और इस बार भी अगर वर्ल्ड कप की बात करें, हमारे इंडियन बैटर्स और बॉलर्स के काफ़ी अच्छे फॉर्म में है सब के सब, बट आपको क्या लगता है ये होम एडवांटेज बहुत है क्योंकि बॉलर्स भी उभर के आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, एंड और होम एडवांटेज तो यहां भी है बल्लेबाज सत्तू के साथ में। दैट्स अ सिक्स। ऐसे बातों में छक्का लग गया सर, ऐसे ही शॉट्स बहुत लाजवाब होते हैं जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बट कुछ अमेजिंग शॉट्स आ जाता है। एंड आज का सिलसिला ऐसे रहा है, 1 विकेट डाउन एंड 6, 1 विकेट 6, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए कुछ भी हो सकता है आगे। बिल्कुल लिमिटेड ओवर क्रिकेट है और सभी खिलाड़ी हैं वो बेहतर खिलाड़ी हैं, पर आप सलामी बल्लेबाज के तौर पर कोई दो ही बल्लेबाजों को भेज सकते हैं, ये क्रम चलता रहता है। आप नो डाउट इस समय की अगर बात कर लें, ये जाट आठ खिलाड़ी, जाट समाज के 3 खिलाड़ी आइकॉनिक प्लेयर होते हैं, तो उसमें आपको पाएंगे कि प्रत्येक मुकाबले में अलग अलग जिले के जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उन्हें इस टीम में शामिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्रम है वो उसी प्रकार का रहता है। आप 11वें नंबर के बल्लेबाज से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे और यही रीजन है कि प्रत्येक मुकाबले में आपको 100 से 110 रन का आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल एक हाथ से कैच विवेक पकड़ भी चुके हैं। इस बीच एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, सत्तू कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अपनी टीम के लिए। और आप बात कर रहे थे विश्व कप में, और नो डाउट किसी भी देश में कोई विश्व कप आयोजित होता है तो घरेलू कंडीशन है वो हमेशा से फायदेमंद रहती है। एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है, कमल बागड़िया का शिकार किया है वहां पर। मुझे लगता है सत्तू जी ने काफी सत्तू के पराठे खाए होंगे। लुक एट दैट स्कोर आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, 6 पे 6, 15 बॉल्स एंड 26 रन्स, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द 7th ओवर, स्कोर्स आर 64 for 4। और एक तारीफ ये भी करनी होगी, वहां पर शुरू से ही दबाव में डालना चाहते थे कमल बगड़िया को, और वैसे दोनों ने नेट में काफी अभ्यास किया है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वहां पर 3 मैक्सिमम लगा दिए हैं। और बिल्कुल सत्तू बताया जा रहा है मुंबई में अभ्यास करते हैं, मुंबई से यहाँ फ्लाइट से डायरेक्ट लौटे हैं, आज सुबह ही जयपुर एयरपोर्ट पे इनका आगमन हुआ, वहाँ से तुरंत अब इस मुकाबले के लिए यहाँ उपलब्ध हो गए हैं। और आते ही कमल बगड़िया को बिल्कुल आड़े हाथों लिया है, पहले ही ओवर में किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहता है, आते ही 3 मैक्सिमम लगा देना, कहीं ना कहीं गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिक्रीज होता है। और अगर आप भी देखें चौधरी क्रिकेट क्लब ऐसे सब, जस्ट नॉट ओनली द होम टीम्स अभी यहाँ पे है, बाहर से भी हर एक स्टेट से वो सारे प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं खेलने के लिए। और ये टेनिस क्रिकेट को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं स्प्रिंटर्स एंड चौधरी क्रिकेट क्लब, ये एकदम इट्स लाजवाब, इट्स वेरी वेरी गुड टू सी ऑल द स्पोर्टिंग टीम्स यूनाइट लाइक दिस। सिर्फ होम टीम्स नहीं, बाहर की टीम्स भी खेल रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ 7 ओवर स्कोर्स आर 65 for 4। अभी बाकी है 3 और क्रूशियल ओवर्स, ऐसा भी होता है हमने देखा है मिड ओवर्स में ये आंकड़ा होता है, बट इन द डेथ ओवर स्कोर्स और भी बढ़ जाते, तो कुछ प्रिडिक्ट करना अभी के लिए सही नहीं होगा। देखते हैं रका 11 क्या स्कोर का टारगेट देता है अगेंस्ट चौधरी बालाजी। और मैं थोड़ा सा समय के बारे में रिमाइंड करवाना चाहूंगा चौधरी बालाजी यूपी 11 को, यहाँ से 8 मिनट का समय आपके पास शेष रहे, आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं
और आप बात कर रही थी मैनेजमेंट की, चौधरी क्रिकेट क्लब की, स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्रिकेट कप 2023 की। इस बीच एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां से बल्लेबाज सत्तू। सत्तू इज ऑन फायर, सत्तू का बवंडर चलता हुआ, सत्तू का तूफान चलता हुआ यहां पर। गेंदबाज की एक नहीं चली, वहां चली तो सिर्फ सत्तू की चली और गेंद सीमा रेखा से बाहर को चली। एक समय नाजुक दौर में थी टीम, वहां से अपनी टीम को न सिर्फ संभाला है, अब फ्रंट से लीड करते हुए इस मुकाबले में स्कोर जा पहुंचा 65 लोस ऑफ 4। एक समय 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर वहां से लेकर आए और इस समय देखिए दबाव में नजर आ रहे हैं गेंदबाज। वाइड का इशारा था वह यहां पर। माफी चाहते हैं, स्कोर में थोड़ा सा पहली गेंद पर संभवतः 6 लगा था तो उसके बाद 71 और 72 रन हो चुके हैं जहां तक अभी, बिल्कुल 72। और यही होता है गेंदबाज अब थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं यहां से। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर है, कमाल की बल्लेबाजी सत्तू के द्वारा। निश्चित तौर पर दुविधा में नजर आ रहे हैं यहां से गेंदबाज, टीम कप्तान कमल जी बगड़िया, क्या सत्तू का कोई तोड़ है यहां से। इस समय तो सत्तू ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, ये देखिए गेंदबाज वाइड का इशारा, एक और गेंद ऑप्शन से बाहर। गेंदबाज का ऐसा प्रतीत हो रहा है गेंदबाज के हाथ पांव फूल रहे हैं, अपनी लाइन लेंथ भूल रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाज जब इस प्रकार के अंदाज में होता आप देख सकते हैं 6 वाइड 6 वाइड यही क्रम चल रहा है यहां। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बेहतर गेंद अंदर की तरफ लेकर आए थे यहां से। जैसे सर बोले थे लाइन लेंथ ऑफ द डिलीवरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है और वो कभी कभी प्रेडिक्ट भी हम नहीं कर पाते यहाँ से। बट इन फ्रंट हु इज बोलिंग एंड द बैटर हु इज हिटिंग, वो एक टसल रहता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। शिवम जी ऑन द क्रीज आउट देयर, स्कोर 79 for 4 एंड द 8th ओवर इज स्टिल ऑन। बिल्कुल मैं बात कर रहा था, एक और वाइड गेंद, एक और दिशाहीन गेंद, और मैं आपसे निरंतर बातें चलती रहती हैं, बातें होती रहती हैं कि जब जब बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में होता है गेंदबाज के लिए बड़ा मुश्किल रहता है वहां गेंद को पिच करवाना। 22 गज का विकेट है, वो भी बड़ा छोटा नजर आता है, ऐसा नजर आता है यहां तक बल्लेबाज पहुंच जाएगा और वहां फिर इस प्रकार की गलतियां होती है। और ये देखिए वहां पहुंच रहे हैं बल्लेबाज, इस बार 90 डिग्री के एंगल में तीर की तरह सीधा शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। सबसे सेफ जोन होता है वहां स्ट्रेट सीमा रेखा के बाहर। एक बार पुनः खेला है वहां, गेंद सीमा रेखा की तरफ, वहां महीन सी दरार, उसी में से गेंद हुई फरार। बैक टू बैक बाउंड्रीज एंड इसी ओवर में सिर्फ उन्होंने बनाए 23 रन, अगर आप देख सकते हैं तो मिस्टर सत्तू बॉम्बे से है एंड बॉम्बे के लोगों का अंदाज भी अलग होता है सर, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे में मास्टर्स की हूँ, मुझे पता है वो लोग थोड़ा बहुत ही डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल ऑन टाइम, और ऐसे बोलते हैं ना मुंबई में कभी द सन नेवर सेट्स, बिकॉज कब आप सोते हैं कब आप उठते हैं आपको कोई अंदाज नहीं रहता वक्त का वहाँ पे। और एक और वाइड गेंद आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 अतिरिक्त गेंदे, ये दबाव में होता है। इस बार अच्छी बात, वहां स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 8 के बाद स्कोर है 90 यहां से। आला दर्जे की बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी वहां।
आठ ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 90 रन। बची हुई 12 गेंदे और मोमेंटम पूरी तरीके से सत्तू के पक्ष में यहाँ। अब बची हुई 12 गेंदों में कितनी गेंदे सत्तू खेलते हैं इस समय। खुश डग आउट वहाँ आप देख सकते हैं, कौशल बड़े खुश नजर आ रहे हैं अपने टीम स्टाफ के साथ, पूरा स्टाफ वहाँ, और सभी उत्साहित हैं, सभी लालायत हैं, सभी एक ऊर्जा का संचार होता हुआ वहां से। और हो भी क्यों ना, जब आपके बल्लेबाज इस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां, प्रभावित किया है बल्लेबाज सत्तू ने। इससे पहले राखा भाई ने, टीम के कप्तान, इन दोनों बल्लेबाजों ने, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल बाएं हाथ के हैं, पर काम बड़ा राइटी वाला किया है। बिल्कुल सही समय पर अपनी पारी को न सिर्फ यहां से निकाला है बल्कि आगे की तरफ लेकर गए इस मुकाबले में। अब एडवांटेज में है यहाँ से। बची हुई 12 गेंदें कभी भी आसान होती नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। जब बल्लेबाज इस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, डेथ ओवर हो, वहां से आना, किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, प्रिंस आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी। सत्तू ने गेंद को देखा, उनका अनुमान था गेंद संभवतः सबसे बाहर चली जाएगी, वाइड के लिए चली जाएगी, पर अंपायर कहीं ना कहीं संतुष्ट है नहीं। इस बार वाइड का सारा आता हुआ, ओवर नंबर 9 जारी। यहां से स्कोर है 91-91, 4 विकेट के नुकसान पर। 10-10 ओवर का मुकाबला, लिमिटेड ओवर्स हैं, ज्यादा कुछ मौका इस बार, मौका बद कप्तान कमल भगड़िया वहां मौजूद थे। सत्तू की पारी का खात्मा हुआ यहां से। कमाल की नोक सत्तू के द्वारा और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा वहां सत्तू का। मैं चाहूंगा सभी दर्शक एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस बल्लेबाज का, कमाल की इनिंग। और राजू फौजी लक्ष्मणगढ़ एक देश के जवान की तरफ से हौसला अफजाई वहां सत्तू की। राजू फौजी लक्ष्मणगढ़ की तरफ से 1100 रुपए की राशि सत्तू के लिए। इस बार धीमी गति की गेंदबाज, क्यों एक और सफलता वहां, कमल भगड़िया एक और खींच पकड़ते हुए, बैक टू बैक दूसरा खींच पकड़ा यहां। और संभवतः समय है वो पूरा हो चुका है। अंपायर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें हमारे थर्ड अंपायर से। इसी बीच यह गेंद दिशाहीन गेंद, मौका था वहां हैट्रिक का, पर अब नहीं होगा क्योंकि आधुनिक जो नियम है, लेटेस्ट जो रूल है वहां से यही है कि आपको 3 लीगल डिलीवरीज पर 3 विकेट चाहिए। इस समय देखिए एक प्यारा सा चंचल सा मुस्कुराता हुआ बच्चा, तारीफ करनी होगी। इस बार मौका था, पर वो मौका अब जा चुका है। ओवर हैट्रिक का मौका था, रनआउट के रूप में क्या सफलता मिलेगी, पहले कीच ड्रॉप उसके बाद रनआउट के रूप में भी मौका था,
तीसरे के लिए निकले हैं तीसरी बार और ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक गेंद पर हर्षित, एक गेंद पर एक ही बल्लेबाज को तीन चांस, वो हमने देखा है ट्रिपल्स की चौधरी क्रिकेट कप में। तो चलिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं भी अब आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। चौधरी क्रिकेट कप एक बड़ा मुकाबला, आज के दिन का चौथा मैच यहां पर राका भाई 11 जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस प्रकार सत्तू ने बल्लेबाजी की, क्या ग्लिम्सेस वहां पर उनके नजर आए। बहुत ही शानदार राका आर्मी 11 की टीम खेलती हुई और उनके विरुद्ध जो टीम यहां पर आप सभी को नजर आ रही है कमल बागड़िया जी की कप्तानी में, एक बार फिर से बालाजी यूपी 11 जिसमें भी आपको बहुत बड़े बड़े स्टार्स नजर आते हैं। बट एक और मैच, एक और बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर। इस ओवर में दो विकेट्स भी आए हैं, कुछ वाइड्स भी आई हैं, बड़े अच्छा ओवर अभी तक डाला है और खासकर प्रिंस ने जिस प्रकार से तीन विकेट लिए हैं ओवर द विकेट के साथ, एक बार फिर से अपने लंबे लंबे कदमों के साथ थोड़ा धीमा गेंद डालने का प्रयास, ये अच्छी लाइन विकेट कीपर ने भी सराहा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है प्रमिता। स्कोर जो है वो लगभग आपको 90 अबव नजर आता है, 6 विकेट गिर चुके हैं, तो एक और 100+ टोटल की तरफ पहली पारी जाती हुई। Definitely, I think so. Last over and scores are 95/6. Raka Army is definitely putting up a good score out there. अगर हम देखें तो नौ ओवर अंतिम 6 गेंदे, नौ ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। अब 10वें ओवर की यहां पर शुरुआत होने जा रही है, अंतिम 6 गेंदे, समय की मर्यादा को पूरी तरह से ध्यान में रखना बेहद जरूरी। पहली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और लीजिए दीपक, दीपक के बल्ले से आया ये कर्राता हुआ चक्का, क्या बात है। पूरा का पूरा स्क्वाड आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी टीम, राका भाई, पंकज भाई, वहां पर कौशल जी, रणवीर जी, सभी के सभी जो चौधरी क्रिकेट क्लब के साथी हैं वो अपनी टीम को हर्षोल्लास के साथ यहां पर प्रेरित करते हुए इतने बड़े बड़े शॉट्स के लिए। और इस बार भी यहां पर शॉट खेलने की कोशिश है, इस बार 4 के लिए लीजिए, इससे पहले शतक पूरा हुआ था। और खुशी से झूमता हुआ डगआउट वहां पर आप देख सकते हैं, क्या कमाल की बल्लेबाजी अंतिम ओवर्स में, कहां से इस पारी को लेकर आए हैं। पहला विकेट 4 पर, दूसरा विकेट 4 पर, तीसरा विकेट 11 पर, वहां से पहले तारीफ करनी होगी राका भाई कप्तान सीना तान, यहां से आगाज किया था, उसके बाद सत्तू और अब दीपक जांगिड़, कमाल का प्रदर्शन तीनों ही खिलाड़ियों के द्वारा, और अपनी टीम को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। और अब थम संभवतः चिंता की लकीरें कमल जी बगड़िया पर देखी जा सकती है, इसी बीच एक और खतरा हो सकता है, एक और विकेट मिला है यहां से, पर इस विकेट का यहां से जो भी बल्लेबाज आएगा प्रयास यही रहेगा। अंतिम 3 गेंदे, मोमेंटम वाली गेंदे, क्या होगा 3 गेंदों पर। सौरभ है गेंदबाज, बल्लेबाज पंकज बाजिया, इस बार अच्छी गेंद और ये लाइन हमेशा से अच्छी लाइन रही है। आप देखते हैं वाइड यॉर्कर का प्रयत्न किया था वहां, यहां अगर थोड़ा सा लेंथ में अगर मिस भी होते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं बल्लेबाज से अच्छा संपर्क हो नहीं पाता। और इस समय सब्जी आपकी स्क्रीन पर, इस बार मौका था वहां पर केशव कमल बगड़िया, क्या लगाएंगे हिट यहां से, वो जो सारे ब्लू वाले
इस बीच ये खेला है, वन जीरो सिक्स, 106 क्या पुनः 111 नहीं 108 रन बने हैं यहां से, 108 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जोरदार थालियां वहां पर देख सकते हैं आप, राका 11 बड़ी खुशी के साथ झूमते हुए। और पूरी टीम से निवेदन करेंगे कि इस बार आप सभी डगआउट्स में ही रहें, हमारे कैमरामैन वहां पर है, हमारी एमसी जो है यानी कि फीमेल एमसी प्रमिता वहां पर आ रही है कि कितना क्राउड यहां पर एंगेज करने के लिए, किस प्रकार से टीम ने कितना स्कोर बनाया। तो सभी राका 11 से निवेदन है कि आप सभी डगआउट में ही रहें, कैमरामैन हमारे साथ संदेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके डगआउट्स के पास पहुंचे। ये रहा है पहली पारी का लेखा जोखा, क्या कमाल की बल्लेबाजी सत्तू जी ने की है और उन्हें 1100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है यहां पर राजू फौजी जी की तरफ से। और सभी ने बहुत बढ़िया खेला, हालांकि कौशल जी का विकेट बहुत जल्दी आया, अन्यथा ये जो स्कोर 108 है वो 208 हो सकता था। बट चलिए, हर एक बल्लेबाज का महत्वपूर्ण रोल वहां पर रहा, 108 बनाए, 109 का लक्ष्य है। ओवर टू प्रमिता। Okay, that was the first innings by Raka 11 out there, and we have the entire team, pura team abhi hai, shandar chamak with the smile out there. But main pehla bolna chahungi sabko, are you guys excited? Because sikar mein hai aur maine suna hai Rajasthan ke logon mein kaafi excitement, kaafi energy hota hai unke beech. So in 3, 2, 1, I want to see cheer up for your team. We will do hip hip and you'll say hooray. Are you guys ready? यार मतलब पहली बार में इतना एनर्जी, ओके विल डू दिस, हिप 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 हिप, यार ये पूरा सिकर तक जा रहा होगा आवाज, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। मैं जाऊंगी ऊपर एंड पूछूंगी, इतना शानदार खेल आपने खेला, एंड यस आर यू द टीम कैप्टन सर, एंड वी हैव टू आस्क यू स्ट्रेट अप फ्रॉम बॉम्बे, आप इतना आए इतने दूर से यहाँ, एंड यू हैव बीन डूइंग सो वेल, इतना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा आपको इधर आके टू बैट हियर, एंड क्या बोलना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? जी मैम, वैसे तो टूर्नामेंट का आयोजन समिति का ही मैं भी सदस्य हूँ, तो टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार चल रहा है। मेरे को नहीं लगता राजस्थान में आज तक ऐसा टूर्नामेंट कभी भी हुआ होगा। इंटरनेशनल स्टेडियम कि आपको, आप देखते होंगे पहले ये होर्डिंग वगैरह जो भी है, आप कहीं भी एसएमएस वानखेड़े कहीं भी जाएंगे, आपको पूरा इंटरनेशनल स्टेडियम की फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम खेल के। मैं अभी कॉम्बॉक्स में रिजवान सर से भी ये बात बोल रही थी, जब आप बैटिंग कर रहे थे, इतना अच्छा बैटिंग कर रहे थे, मैंने बोला आपका नाम सत्तू है, आप क्या बहुत सारे सत्तू के पराठे प्रॉबेबली खा के आए, इतना एनर्जी के साथ इतना अच्छा इनिंग्स खेला आपने, 108 स्कोर आउट देयर, एंड वी हैव द अदर टीम, आप जैसे ही शानदार बैटिंग किए, क्या लगता है आपके बॉलर्स का क्या कमाल है, हम बात करना चाहेंगे आउट ऑल देयर, कैन वी सी द बॉलर्स, कैन वी सी द बॉलर्स, ओके पूरा रेडी है, प्लीज आ जाइए इधर। क्या नाम है सर आपका? सत्तू। या क्या सब यहाँ सत्तू खाते हैं क्या? ओके, थोड़ा नाम का इश्यू हो रहा है, इतने अमेजिंग नाम है सबके, तो क्या कहना चाहेंगे आप पूरा रेडी है फॉर द सेकेंड इनिंग्स? हाँ मैम रेडी है, अच्छी बॉलिंग करेंगे और मतलब अच्छा मैच बनाएंगे तो अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। पूरा देखने लायक रहेगा ये मैच कैसे होने वाला है, एंड पूरा एनर्जी है टीम के अंदर, एंड लॉट गुड लक सभी से, काफी मुस्कान है। अब मैं जाऊंगी दूसरे टीम के तरफ चलते हैं, गुड लक फॉर द सेकेंड इनिंग्स, एंड 3, 2, 1 में थोड़ा चीयर अप फॉर योर टीम अगेन, आर यू गाइज एक्साइटेड? लेट्स डू दिस, कितना एक्साइटमेंट है? ये कितना ठंडा है यार, यस थोड़ी नहीं, 3, 2, 1, आर यू गाइस एक्साइटेड? देखिए ये लोग पूरे एक्साइटेड है, बट विल गो टू द सेकेंड टीम आउट देयर, जिन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट थोड़ा ठंडा लग रहे हैं आप लोग सर, इतना क्यों? आई मीन लाइक उस तरफ का एनर्जी अगर देखे तो बरकरार था। आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आर यू गाइस एक्साइटेड? 3, 2, 1 में उनसे भी ज्यादा आवाज आना चाहिए, नहीं सिर्फ ब्लैक वाले सर ने ही यस बोला, बाकी सबको भी आई थिंक बाजरे की रोटी खाना पड़ेगा क्या? तो बाजरे की रोटी इज वेरी फेमस, आई हैव हर्ड अबाउट इट। तो 3, 2, 1 में बताएं, आर यू गाइस एक्साइटेड और रेडी टू विन दिस मैच? पीछे वाले बैक बेंचर्स आर साइलेंट, बैक बेंचर्स आर ऑलवेज साइलेंट। 3, 2, 1 में बताएं, आर यू गाइस एक्साइटेड टू विन दिस मैच और नॉट?
ओके ओके, अभी करने वाले आप लोग बैटिंग एंड सब बताइए आपके ओपनर्स कौन है, क्या स्ट्रेटजी बनाया है एंड क्या आप 108 का टारगेट ब्रेक करके 109 आउट स्कोर करके मैच जीत सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। अब जैसे बैटिंग है तो हम इसका जवाब आपको 35 मिनट बाद देंगे, उस टाइम आपको बिल्कुल एक्साइटेड यहाँ से माहौल लगेगा। ये अब भी है पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते, ओनली कॉन्फिडेंट। ओ वाह, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओनली कॉन्फिडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंड मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आप बोल रहे थे कि आरपीएल में भी आपके प्लेयर्स खेले थे, कौन से वो प्लेयर्स थे हम लोग देखना चाहेंगे, और प्लेइंग 11 के बारे में सर आप बोल रहे थे, तो आपके टीम एकदम रेडी है या नहीं मैं ये जानना चाहती हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी है आपके हेड में, क्या होने वाला है, पावर प्ले के अंदर कितना स्कोर्स कर लेंगे आप? बिल्कुल, पावर प्ले में हमारी कोशिश रहेगी अबाउट 40 प्लस की, और हमारे पास काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ओपनर प्लेयर भी है, अपने यूपी का कॉम्बिनेशन है, प्रिंस है मेरे पास, तो अभी शुरुआत अच्छी करेंगे, इसके बाद उसको रोटेट करते रहेंगे। ओके ओके, कॉन्फिडेंस एट पीक, कॉन्फिडेंस एट पीक, वहां गेंदबाजी करने के लिए रेडी हो चुके हैं टीम, यहां बल्लेबाजी करने के लिए, एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स आउट देयर, बोथ द टीम कैप्टन्स, बोथ द टीम्स, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है फोर्थ मैच ऑफ द डे, और जितने सारे मैचेस हमने इस टूर्नामेंट में देखा है काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं दो दो टीम्स, एंड दो दो मैचेस एवरी डे एवरी मोमेंट, नॉकआउट स्टेजेस है और सेमीफाइनल्स फाइनल्स का वेट करेंगे एट ओवर दिस, बट ओवर देयर मैं आप सबको बोलना चाहूंगी चौधरी क्रिकेट कप और क्लब और स्प्रिंटर्स ऑनलाइन के लिए थोड़ा जोरदार तालियां और हूटिंग होना चाहिए, एंड यस यस लेट्स डू दैट, एंड ऑल द विश ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ द टीम्स आर प्लेइंग इन दिस इनिंग्स, बैक टू द कॉम्बॉक्स टू हर्षित एंड रिजवान। धन्यवाद प्रोमिता जी, आप तुरंत प्रभाव से क्षेत्ररक्षण के लिए चले जाए वहां से, राखा 11 बिल्कुल अपना क्षेत्र रक्षण सेट करें, दोनों सलामी बल्लेबाज चले जाएं वहां से, अगले 1 से 1.5 मिनट बाद यहां से लाइव एक्शन स्टार्ट होने वाला है, दोनों अंपायर तैयार, सब कुछ तैयार, दर्शक एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जी अब एक अलग उत्साह यहां पर नजर आने वाला है, हालांकि अलीगढ़ की टीम के कई सारे खिलाड़ी यहां पर आपको नजर आएंगे, बालाजी यूपी 11 ने एक अच्छा स्कोर यहां पर बनाया, राका आमी 11 ने जिस प्रकार से कोच ने कहा और सत्तू ने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, प्रमिता ने पूरी तरह से जोश को जब टेस्ट किया टीम का तो वहां पर बहुत ही शानदार था। ले चलते मुकाबले की शुरुआत के दौरान दो बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, दोनों अपने आप में महारत हासिल है, दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच रहे हैं वहां से, 109 की चुनौती, किस तरह से चुनौती का पीछा करते हैं, क्या इस चुनौती को पार पाते हैं या फिर इस चुनौती को डिफेंड कर पाते हैं गेंदबाज राखा 11 की टीम, यहां से जो उत्साह से चौधरी क्रिकेट क्लब, और जिस तरह से भी माहौल को चेक किया गया प्रमिता द्वारा, रिजवान चांजी दोनों ही टीमों में क्या माहौल है, क्या उत्साह है, शाम के लगभग अभी 7 बजने का समय हो चला है और बड़ी जल्दी 40 मिनट दिए जाएंगे, देखिए चाहे राका आमी 11 में चौधरी क्रिकेट क्लब के कितने भी खिलाड़ी क्यों ना हो, बट जो समय सभी के लिए निर्धारित है और ये हमारी टीम जानती है, जैसे भूपेंद्र पायल जी ने पहले कहा था कि जब उन्होंने टॉस कराया उसके बाद वो चाहते थे कि आउट ऑफ द टीम स्क्वाड होना, बट उसके बावजूद उन्हें वहां पर शुरुआती 11 में आना पड़ा क्योंकि वो टॉस के दौरान वहां पर मौजूद थे, तो वही डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है और सभी अपने मापदंडों को जो उन्होंने बनाया है उस पर स्वयं उतरना चाहती है, तो 38 से 40 मिनट यहां पर गेंदबाजी टीम को मिलेंगे, कप्तान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने 10 ओवर उसमें समाप्त करने होते हैं, पटा भी आइए, दो सलामी बल्लेबाज हैं तैयार, देखते हैं किस प्रकार की दे पाएंगे शुरुआत, और चलिए शानू अली अलीगढ़ से यहां पर जिस तरह से जाने जाते हैं 1 हैंड 6 लगाने के लिए, और देखिए कितने सारे दर्शक चमचमाते हुए चेहरे सभी थम्स अप करते हुए, पहली गेंद लीजिए, स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन,
पर यहां आपको प्रिंस भी अच्छे बल्लेबाज हैं, वहां यहीं पर अभ्यास करते हैं। और बिल्कुल आरपीएल में भी विजेता जो टीम रही थी उसका हिस्सा रहे थे प्रिंस, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जब आप सिलेक्ट होते हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़े मंच पर खेलकर आते हैं, तो वहां से कॉन्फिडेंस भी मिलता है। वो कॉन्फिडेंस कितना काम आता है यहाँ, उस कॉन्फिडेंस का कितना फायदा उठा पाते हैं, अपने उन अनुभव को कितना झोंक पाते हैं यहाँ, वो बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल, अनुभव को झोंकना तो कोई इस खिलाड़ी से सीखे। स्टेप आउट किया, गेंद की लाइन तक पहुंचे, सर को स्थिर रखा। ऑन द राइस कवर्स के ऊपर से क्या शानदार शॉट यहां पर खेलते हुए नजर आए, बहुत ही टॉप क्लास शॉट था यहां पर। इस बार स्विच हिट है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है, 6 रनों के लिए। और चलिए, इस बार भी गाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ गाइड किया है पीछे की तरफ, फाइन लेग की दिशा में, मिस्टर 360 डिग्री साहिल अलीगढ़ और साथ ही साथ प्रिंस। थोड़ा मास्टर बढ़ा दें, डीजे साउंड इंजीनियर प्रिंस अपनी क्लास दिखाते हुए यहां पर, एक रॉयल पारी आती हुई प्रिंस के बल्ले से इस समय। प्रिंस और सानू अलीगढ़ दोनों कमाल की बल्लेबाजी, जिस प्रकार की आवश्यकता थी, और बता भी रहे थे कमल जी बगड़िया कि 3 में 40 बनाना उनका लक्ष्य रहने वाला, यहां से पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे और उसी राय पर हैं। यहां से 1.3 के बाद स्कोर 21 रन है और इसी गति से अगर चलते रहे तो स्कोर 42 रहने वाला है, जो कि संतुष्ट होंगे फिर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्कोर अभी तक बोर्ड पर लगा दिया है और अगर ऐसे ही चलेगा तो एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जाएंगे। एक बार फिर से स्वैप कर दिया है, स्वीप कर दिया है, इसे शॉट खेलना नहीं कहते, इसे खिलवाड़ करना कहते हैं फील्डर से। बहुत ही अच्छा स्वीप यहां पर, रिजवान चांजी तारीफ काबिल शॉट यहां पर। बिल्कुल, हम बता रहे थे आरपीएल खेल के लोटे हैं तो कॉन्फिडेंस है इस बल्लेबाज के पास और अपनी पूरी कला दिखाते हुए यहां पर कितने सक्षम है कला के रूप में, कलाइयों का बेहतर इस्तेमाल बार बार करते हुए। और जब भी आपका सलामी बल्लेबाज होते हैं इस प्रकार से,
फील्ड को क्लियर करते हैं वो काबिले तारीफ है। पर ये शॉट्स बार बार ट्राई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है रिजवान जी, जब आपके लिए सीधे बल्ले से क्रॉस बैटेड शॉट्स आ रहे हो तो आप इसे कम से कम ट्राई करना चाहते हैं और इसे एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं, न कि आप अपने आउट होने का जरिया या फिर डॉट बॉल का जरिया। बट यहाँ देखिए आर्यन जी आपको वहां पर नजर आ रहे थे, उनके साथ वहां पर कपिल जी थे, थोड़ा सा हैवी डिस्कशन वहां पर करते हुए नजर आए, ग्राउंड के बारे में शायद वहां पर वार्तालाप की जा रही होगी। पर चलिए अंतिम गेंद यहां पर फुल टॉस है, जब आप सीधे बल्ले से रन बनाने का दम कम रखते हैं तो भी यहां पर कभी कभार आप फील्डर को ढूंढ लेते हैं, ज्यादा ऊंचा गया था दूर नहीं, पहला विकेट प्रशांत प्रिंस का विकेट। प्रशांत ने ब्रेक थ्रू दिलाया यहां पर, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, वहां से इस साझेदारी को तोड़ा है। 25 रन हो चुका स्कोर एक विकेट के नुकसान पर, दो के बाद यहां से अच्छी शुरुआत दिलाई है वहां। जी हाँ, देव शर्मा जी और अशोक शर्मा जी की वो जोड़ी यहां पर एज एन एम्पायर वहां पर मौजूद है, और नैना राम जी के ऊपर इनकी मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी थर्ड एम्पायर के तौर पर, और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर पकड़ते हुए नजर आए, बहुत ही अच्छी कप्तानी भी आपको नजर आएगी। प्रशांत के खाते में विकेट मिला दो ओवर की समाप्ति के पश्चात, 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। और रिजवान चांद जी यहां पर ये मैच में बता दूं आप सभी को बहुत ही कड़क हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो गेंदबाज हैं यहां पर राकामी 11 के पास बहुत अच्छे हैं, और वहीं पर जो बल्लेबाज हैं आपको नजर आते हैं किसके पास, बालाजी यूपी 11 के पास, वो भी बहुत ही अद्भुत और अव्वल दर्जे के हैं। तो देखते हैं ये टॉप नॉच लड़ाई है, हेड टू हेड मैच होने वाला है, नेक टू नेक चलेगा, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि मुकाबला अंतिम ओवर्स तक जाने वाला है, अंतिम गेंदों तक जाने वाला है, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे कब पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा। और ये देखिए इसी बड़े मैच के लिए बहुत सारे दर्शक हैं, वो अपने अपने फोन्स में वीडियो इसको बना रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप इंस्टाग्राम पर डालें तो टैग करना ना भूलें चौधरी क्रिकेट क्लब को, स्प्रिंटर्स को, और आप हमें भी टैग कर सकते हैं एंकर हर्षित, एंकर प्रमित, रिजवान चांद जी। इसी बीच रक्षात्मक तरीके से खेला, एक रन मिल जाएगा। स्कोर है 26 रन संभवतः, एक रन दौड़ चुके हैं वहां से हो चुका है। अब शानू अलीगढ़ आए हैं पुणे स्ट्राइक पर, इस बार खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी वहां पर चार रनों के लिए। और ये हमने देखा है रिजवान जी के कवर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग है बल्लेबाज, ये देखिए इस शॉट को अगर आप बाकी किसी बल्लेबाज से पूछेंगे ना तो वो लॉन्ग ऑन मारेगा या फिर डीप इन विकेट मारेगा, बट यही इन्होंने रूम जनरेट किया खुद के लिए और कवर पर खेलने गए, क्योंकि जानते हैं कि लॉन्ग ऑन डीप इन विकेट पर एक फील्डर मौजूद है और आप नहीं चाहते कि उनकी तरफ मारे, फील्ड से खिलवाड़ करना इंटेलिजेंट। देखिए एक अच्छा क्रिकेटर वही होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत लगातार हिट्स लगा रहे हैं, वो एक अच्छा हिटर निश्चित तौर पर होता है, बट एक अच्छा क्रिकेटर वो होता है जो फील्ड के अनुसार खेले अपने आप में। ये देखिए इस बार जैसा गेंद था वैसा शॉट खेला, अभी अभी स्क्वायर लेग के फील्डर को ऊपर बुलाया था इसी गेंद से पहले, और अगली गेंद पर क्या किया, शफल दूसरी तरफ किया, बेहतर परसेंस ऑफ माइंड दिखाया यहां पर, पिछली गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला और जैसे ही वहां डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र को अंदर लेकर आए, सफल करके उपशम की तरफ चले गए थे और उसी क्षेत्र में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। इस प्रकार की बल्लेबाजी हो तो फिर कप्तान को काफी परेशानी होती है कि कहां, क्योंकि 30 यार्ड में आप दो ही छेद रक्षक अंदर ले सकते हैं। इस बार कड़ा प्रहार किया है वहां पर, एक हाथ से कैच पकड़ा है वहां पर संभवतः, और एक हाथ से कैच वहां पर पकड़ते हुए नजर आए हैं, और बड़ी अद्भुत कैच वहां पर पकड़ता हुआ नजर आया। ये देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कैच पकड़ा, वो बाउंड्री लाइन के बाहर पकड़ा था। यहां देखिए गेंद जा रही है, फॉलो हो रहा है नीचे, बिल्कुल क्या एक हाथ से कैच पकड़ा, दो साथी ने एक बार फिर से साथ में पकड़ने का प्रयास किया, बट विक्टर क्रिकेट अकेडमी के शायद एक प्लेयर ने वहां पर जाकर कैच पकड़ा है, अंकित पचार सुबह से लगे हुए थे, अब जाकर सफलता मिली है। और कहा भी जाता है आप परिश्रम करते रहे फल की चिंता न करें, ये सुबह से परिश्रम कर रहे हैं, अगर कोई मीटर लगा होता तो अब तक 15 से 20 किलोमीटर निकाल चुके हैं, अब जाकर सफलता मिली है। और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गए कवर की दिशा में, ये इससे बड़ा खिलवाड़ क्या हो सकता है। लीजिए रिजवान चांद जी, स्क्वायर कवर, स्क्वायर कवर, स्क्वायर कवर। और क्या कमाल का, और
इनके कोच कहते हुए धर्मपाल जी कि इतना समय अगर आप अकेडमी में व्यतीत करते तो शायद निश्चित तौर पर आपकी दो शतक वहां पर आ सकते थे बड़ी जल्दी। बट अंकित की तारीफ करना चाहेंगे, ये अपने 200 रुपीज जो है अपनी टीम और अपने ग्राउंड को देना चाहते हैं विनिंग प्राइज। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, यही सोच होनी चाहिए एज अ डेडिकेशन। आप अपने सारे दोस्तों में बांटना चाहते हैं जो सुबह से मेहनत कर रहे हैं। जोक्स अपार्ट, यू डिजर्व दिस। बहुत ही अच्छा कैच आपने पकड़ा, आशा करते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दिन ऐसा कैच पकड़ें वो बाउंड्री लाइन के अंदर हो बस। और ओवर की समाप्ति हो चली है, 3 ओवर के बाद जो स्कोर बना दिया वो 48 का है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन एक विकेट के नुकसान के बाद क्या बल्लेबाजी एक बार फिर से दिखला दी है। शानू अलीगढ़ क्यों जाने जाते हैं, वन हैंड सिक्स लगाने के मास्टर हैं और उनके साथ अब जो नए बल्लेबाज आए हैं उन्हें अभी तक एक विकेट खेलने का मौका नहीं मिला है। बट अब कप्तान जो है राका जी, जिनकी दिमाग जो है बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, कंप्यूटर की तरह इनका दिमाग क्रिकेट में तेजी के साथ ऊपर नीचे करते हैं। किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा, किसका रोटेशन किया जाएगा यहां से, और जो भी गेंदबाज आएंगे क्या विकेट दिलाने में सक्षमता दिला पाएंगे। डेफिनेटली हर्षद, अगर हम बात करें चौधरी बालाजी के बारे में, जब मैंने उनकी टीम कैप्टन को पूछा था कि पापले के अंदर कितना रन्स बना लेंगे, वो तो वेरी कॉन्फिडेंटली 30+ बोले थे एंड अभी हम देख सकते हैं 48, ऑलमोस्ट अबाउट अ हाफ सेंचुरी बना चुके हैं वो 3 ओवर्स की समाप्ति 48/1। देखिए कोई भी रुक जाए पर आज ये बालाजी यूपी 11 रुकेगा नहीं। देखिए हर बार वहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर दिशा में शॉट खेलें। अगर आप चौधरी क्रिकेट क्लब के ऐप को डाउनलोड कर चुके तो अगर आप उनके वैगन व्हील को देखेंगे तो हर दिशा में रन है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों बराबर में। और कप्तान स्वयं राका भाई आए गेंदबाजी टैग पर, विकेट को दिलाना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। और जैसा इन्होंने प्रमित आपको बताया भी कि आयोजन कमेटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, और हमेशा चौधरी क्रिकेट क्लब के साथ इनका जो जुड़ाव है बहुत ही एक अमूल्य वहाँ पर रहता है। और स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब को भी हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर होंगे और अच्छी गेंद के साथ क्या लेग बाय के चलते यहाँ पर पहला रन आएगा। गेंदबाज ने कोशिश की कि चलिए सिंगल न जाए बट वहां पर वो सिंगल मिलता हुआ दिखाई देगा। शानू अलीगढ़ अब स्ट्राइक पर होंगे और शानू अलीगढ़ ने क्या बल्लेबाजी की है, 37 रन बड़ी तेजी के साथ वहां पर बनाते हुए नजर आए। बल्ले से पिछला रन था यानी कि 1 रन बिल्कुल वहां पर नए बल्लेबाज के खाते में जुड़ेगा। अब राका क्या अपनी टीम के लिए पहला विकेट दिला पाएंगे स्वयं के लिए और अपनी टीम के लिए दूसरा। चौथा ओवर चल रहा है, 50 से पहले पूरे हो चुके हैं पर जो टारगेट बनाया पहले लग रहा था कि क्या राका आर्मी 11 जो है थोड़ा सा पिछड़ रही है बट उसके बाद उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही। सत्तू ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, कप्तान स्वयं ने अपनी टीम के लिए जुड़ाव वहां पर लगातार रखा, सेंसिबल इनिंग्स खेली। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को यहां पर टपने नहीं दिया है बॉल, इसमें कोई दोहरा वहां पर है नहीं। इस बार भी एक आसान अंदाज में वहां पर खेलने चाहते थे वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। बट बालाजी यूपी 11 कमल भगड़िया ने जिस प्रकार से पहले भी हमें बताया कि उनके पास वो बल्लेबाज हैं, प्रिंस का विकेट जरूर मिला है बट शानू अलीगढ़ ने क्या खेल का प्रदर्शन किया है। और लगातार विक्टर क्रिकेट अकेडमी के सभी वॉल बॉयज को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार यहां पर अमूल्य काम करते हैं। क्या ये विकेट की तरफ जा रहे हैं, अपील जरूर थी, गेंद हल्का सा बाउंस होता हुआ नजर आया था बट कोई डेविएशन नहीं थी इसलिए एम्पायर ने नकारा, ओवर हो जाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर पहुंच चुका है 56 विकेट के नुकसान के बाद। जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी, शुरुआती फेज की बात करें क्योंकि जब भी वहां टीम मीटिंग चल रही थी प्रोमिता जी वहां जुड़े हुए थे, उनका भी यही मानना, शुरुआती 3 ओवर में हम 40 तक देखते हैं और इस समय स्कोर 56-56 है, हाँ तो कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। और अब कमल जी बगड़िया भी बिल्कुल आश्वस्त होंगे क्योंकि अभी भी बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है, एकमात्र बल्लेबाज आउट हुए हैं, प्रिंस भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, नस्सू खान और शानू अलीगढ़ दोनों अच्छे बल्लेबाज, दोनों अनुबंधित खिलाड़ी। कहीं ना कहीं जब भी अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर आप जुड़ते हैं आप पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को रिलीज यहाँ शानू अलीगढ़ ने तो कर दिया है, अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 13 गेंदे का सामना किया है उन 38 रनों के लिए, और जब आप इस प्रकार की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो फिर ज़्यादा मैटर करता नहीं है किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, कौन सी टीम सामने है, कौन सा गेंदबाज आने वाला है यहाँ से। और ये भी एक बड़ी
चिंता की विषय है यहाँ से राका इलेवन के लिए, टीम के कैप्टन हैं राका, उनके लिए बड़ी समस्या यहाँ से किस गेंदबाज को लेकर आते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप इस समय देख सकते हैं, एक तरफ सानू अलीगढ़ आला दर्जे की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कड़े प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नसू खान है वो बिल्कुल स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, बेहतर रणनीति के साथ नजर आई है टीम यहां से चौधरी बालाजी यूपी इलेवन। और ये देखिए धीमे हाथों से खेला, एक रन के लिए निकल पड़े हैं, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया, अब शानू अलीगढ़ आ गए स्ट्राइक पर, वो अब कड़े प्रहार करेंगे, अब वो गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, और अभी तक तो सफल भी रहे हैं, अभी तक तो कामयाब भी रहे हैं। स्कोर 57 लॉस ऑफ वन, पांचवा ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद देखना चाहेंगे समय कितना ले लिया है। इसे बीच रक्षात्मक तरीके से खेला, एक रन के लिए निकले हैं, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया, और ये सोच अच्छी है वहां से, सानू अलीगढ़ भी जानते हैं कि इस समय रिक्वायर्ड रन रेट है वो नीचे है, करंट रन रेट है वो काफी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, खराब गेंद को बाहर की तरफ भेजते रहे तो ये काम हो जाएगा यहाँ से, इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार प्रयास किया था वहां, एक और रन, और सबसे अच्छी बात रन दौड़ रहे हैं, प्रति गेंद पर रन दौड़ रहे हैं, और जब जब आप प्रत्येक गेंद पर एक रन चुरा लेते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज परेशानी में नजर आते हैं, वही होता हुआ यहाँ पर, जब आप अच्छी गेंदों पर भी एक रन बटोर लेते हैं तो फिर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डमाडोल होता है, वहां थोड़ा सा डाउन होता है, मेंटली प्रेशर आता है, मनोविज्ञान का ये खेल है पूरी तरीके से, मनोवैज्ञानिक रूप से आप कितने सक्षम है वो बहुत हद तक आपके खेल पर भी देखने को मिलता है। पांचवा ओवर प्रगति पर, इस बार भी रक्षात्मक तरीके से खेला है, कलाइयों के सहारे वहां वी में खेलने का प्रयत्न करते हुए, लोगों के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक रन दौड़ के पूरा कर लिया है वहां, और इस ओवर में देखिए स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज, चार गेंदों पर चार रन आ चुके हैं यहां से, ये बेहतर सोच है, यहां से बेहतर सोच के साथ जा रहे हैं, और इस बार प्रयास किया था वहां नसू ने, एक रन मिल जाएगा क्या, दूसरे का प्रयत्न करेंगे नहीं करेंगे वहां, क्योंकि आवश्यकता है नहीं वहां से, एक रन के चक्कर में एक विकेट गंवाना चाहते नहीं यहां से, जानते हैं अगर आपके पास अंत में विकेट अगर हाथ में रहे तो अंतिम ओवर्स में प्रहार किए जा सकते हैं, वहां से 12-13 की रिक्वायर्ड रन रेट भी मेंटेन की जा सकती है। और ये देखिए सानू अलीगढ़, पांच गेंदों पर पांच सिंगल आए थे, अंतिम गेंद पर कड़ा प्रहार किया और 11 रन का ओवर, एक अच्छा ओवर माना जाता है किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए, शुरुआती पांच गेंदों पर ज्यादा प्रयास किया नहीं वहां, स्ट्राइक को रोटेट किया, अंतिम गेंद पर हल्का सा स्टेप आउट किया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां पर 6 रनों के लिए। पांच के बाद स्कोर 67, ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है अगले एक मिनट का, हम भी समय जानना चाहेंगे कितना समय है वो ले चुकी है टीम यहां से। तारीफ करनी होगी यहां से राका 11 की, मात्र 19 मिनट में पांच ओवर डाल दिए हैं तो समय तो उनके पास है, उन्नीस मिनट ही आपके पास शेष रहेंगे ड्रिंक्स ब्रेक को अगर हटा दिया जाए तो, पांच ओवर गेंदबाजी करने के लिए 19 मिनट आपको मिलते हैं, वो 19 मिनट आप ले चुके हैं, तो अब यहां से 30 गेंद 42 रन, ड्रिंक्स ब्रेक एक मिनट के बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे।
जी आप अगली 30 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता होगी। देखते हैं कितने किस अंदाज में यहां पर जो है वो बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। एक बार फिर से बालाजी यूपी 11, आप सभी एक बार हम फिर से तहे दिल से अभिनंदन कर देते हैं, स्वागत कर देते हैं। ये जारी है चौधरी क्रिकेट क्लब, समय है मुकाबले की एक बार फिर से शुरुआत का। आने वाले 18-19 मिनट में लगभग के समय में यहां पर 5 ओवर डालने होंगे गेंदबाजी टीम को। बल्लेबाजी ट्रैक पर एक बार फिर से तैयार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, गेंदबाजी ट्रैक पर अब आप सभी के समक्ष एक बड़े इंपॉर्टेंट गेंदबाज आएंगे चंदू। देखते हैं वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे चंदू, वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं और आवश्यकता भी होगी डॉट बॉल्स को यहां पर मैक्सिमाइज करने की। बट शानू अलीगढ़ का विकेट चाहिए कैसे भी, क्योंकि जब तक ये बल्लेबाज खड़े हैं ये रन रेट को और एक्सेंचुएट नहीं होने देंगे, एक्सेलरेट नहीं होने देंगे रिक्वायर्ड रन रेट, बल्कि स्वयं अपनी टीम के रन रेट को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोर लगा दिया। छठा ये ओवर है, शुरू हुआ अभी तो महज, बट क्या जब अक्सर ड्रिंक्स ब्रेक होता है उसके बाद जो सेट बल्लेबाज होते हैं उसके लिए कहीं कभी मोमेंटम न टूट जाए, इसके डर के साथ चंदू शरण चाहेंगे यहाँ पर विकेट चटका दें। अच्छा शॉट है बैकवर्ड पॉइंट पर, हर दिशा में शॉट खेलना चाहता है खिलाड़ी, ये प्लेयर वर्ल्ड क्लास है, क्लासी है। 50 पूरे, महज 17 गेंदों में यहां पर 50 पूरे कर चुके शानू अलीगढ़। जोरदार तालियां होनी चाहिए बालाजी यूपी 11 टीम के प्लेयर्स, और चाहेंगे शानू भी अपना एक बार बैट ऊपर कर दें अपनी टीम की खेमे की तरफ। जी हां, शानदार अर्धशतक, कमाल की 50 रनों की पारी यहां पर खेलते हुए, और पीछे उकमीराम जी आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि सीकर में कितनी ठंड जारी है। ये क्रॉस बैटेड शॉट, हवा में गेंद, कैच का मौका थोड़ा आगे गिरा, गेंद मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट मुश्किल काम करना जानती है टीम। थोड़ा सा आगे गिरा, अच्छा एफर्ट दिखलाया, बहुत आगे था वो गेंद, बट अच्छा एफर्ट, एफर्ट की मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा। और इस बार गेंदबाज ने कहा कि चलिए पिछली बार नहीं तो इस बार विकेट कीपर का साथ। रोहन सैनी, अनुज और विनायक की शानदार स्कोरिंग, और यहां पर इसी के साथ जो आंकड़ा हमें नजर आता है वो होगा विकेट, एक बड़ा यहां पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है चंदू की खाते में, एक बड़ी सफलता। और आप देखते हैं कि कौन से नए आएंगे, मयंक, दूसरा विकेट, छठा ओवर। इससे पहले शानू अलीगढ़ ने एक चौका लगाया था, उसके बाद एक सिंगल वहां पर प्राप्त किया, शॉट बड़ा ही लगाना चाहते थे, वहां पर भी कैच का स्लाइट चांस था, टफ चांस, बट यहां टीम चाहेगी राकाम 11 की, बिल्कुल ये टीम मैच को छोड़ी ना, पकड़ कर रखे। और चंदू को बड़ा विकेट मिला भी है राउंड द विकेट के साथ। अगली गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब आए हैं, ये अच्छी सोच कि शानू अलीगढ़ को ज्यादा स्ट्राइक पर रखा जाए, हल्का सा फंबल वहां पर फील्ड से हुआ है, बड़ी तेजी के साथ वापस गए भी, वापस गेंद को पकड़ा भी, जकड़ा भी और वापस थ्रो भी किया है। छठा ये ओवर प्रगति पर, 74 रन के आसपास का आपको स्कोर अब दिखाई देगा बोर्ड पर। 2 विकेट हो चुके हैं, 8 विकेट का खेल अभी भी हाथ में, शीश बचता है। शानू अलीगढ़ के इर्द गिर्द घूमता है कहीं ना कहीं यहां पर राकाम 11 का वापसी का टिकट, क्योंकि जब तक वो खेलते चले जाएंगे मैच में हमेशा बालाजी यूपी 11 को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे। और इसीलिए जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कौन वो राकाम 11 की, कैसे यहाँ पर शानू अलीगढ़ का विकेट चटकाया जाए। 6 ओवर की समाप्ति, 75 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक अंडर कंट्रोल नजर आता है। बट इस ओवर में जो विकेट था उससे कहीं ना कहीं हल्की सी वो जो चिंगारी है जीत की, वो यहाँ पर क्या एक जीत की आग के साथ वापसी कर पाएगी टीम ऑफ राकाम। जी अगर देखें तो दिस हैज बीन रियली गुड, एंड ऑफ 6 ओवर, स्कोर्स आर 75-2 एंड दोनों टीम्स ही बहुत अच्छे रहे हैं जब हम टॉस के टाइम पे भी बात कर रहे थे, एंड दे आर बैक ऑन ट्रैक। अगर देखें चौधरी बालाजी एंड राका 11, और कप्तान राका एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर कंटिन्यू करेंगे। 7वां ओवर, और अच्छी सोच हो सकती है, अच्छे गेंदबाज हैं, बट स्टांस देखें अगर आप, शानू अलीगढ़ का 50 बना चुके हैं बट अभी भी उतनी वो डिटर्मिनेशन इनमें नजर आती है, वो जानते हैं कि मैच जिताकर ही समाप्त करना है।
एक अच्छे फिनिशर के तौर पर भी अपने आप को सिद्ध करना है। अच्छी गेंद, फिर से कवर पर खेलने की चाहत की है। ये शॉट में शायद इनका आज के दिन का तीसरा या चौथा चौका है। इनसाइड आउट जो शॉट खेलते हैं, इनसाइड आउट खेल देते हैं, खुद के लिए रूम बनाते हैं। हालांकि रूम होता नहीं, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद पर होता है, पर उसके बावजूद रूम बनाते हैं और उसके बाद वो शॉट खेलते हैं और कभी भी एरियल स्ट्रोक खेलने के लिए जाते हैं, अलॉन्ग विद द कार्पेट नहीं जाते हैं। इस बार फिर से स्टेप आउट, इस बार लीजिए अलॉन्ग विद द कार्पेट खेला, एरियल नहीं क्योंकि गेंद अलग थी, थोड़ा सा फुल टॉस आ रही थी। चौके के बाद सेंसिबल बल्लेबाजी। और रिजवान चौहान जो बताना चाहेंगे, कुछ समय पहले में एक इंटरव्यू दिख रहा था केन विलियमसन का, उनसे पूछा कि आपकी जब वो चरम सीमा पर था उनका एवरेज और वो बड़े इनफॉर्म थे, कि क्या आपका राज है आपके शतकों का, लगातार दोहरे शतकों का टेस्ट मैच में, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी दो गेंदों से ज़्यादा नहीं खेलना पसंद करता हूँ लगातार, यानी अगर मैं चौका छक्का लगाता हूँ तो मैं अगली गेंद पर सिंगल लेता हूँ, साथ ही बल्लेबाज को मौका देता हूँ और मैं नॉन स्ट्राइक पर एंड पर चला जाता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक चौका छक्का लगा चुके हैं, अगर अंडर, अगर आपसे समय की डिमांड नहीं है लगातार चौके छक्के, तो आप अगली गेंद पर सिंगल लेकर ऑफ स्ट्राइक हो सकते हैं, जिससे कि रोटेशन जारी रहे, गेंदबाज किसी भी प्रिडिक्टेबल ना हो पाए बल्लेबाज के विरुद्ध। और बिल्कुल यही सानू अलीगढ़ ने इस मुकाबले में करके भी बताया है। और कभी भी किसी भी गेंदबाज के लिए आसान रहता नहीं है कि प्रत्येक गेंद एक नए बल्लेबाज के लिए डालना जाए वहाँ से। और वही बात आप भी बता रहे हैं कि जब एक ही बल्लेबाज को आप बार बार गेंद डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके बारे में अनुमान लगा लेते हैं, आपको प्रत्येक बल्लेबाज की ताकत का पता होता है। और यही सानू अलीगढ़ करते हुए इस मुकाबले में इस बार खेला है इस गेंद को। यह गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी वहां पर। जी अच्छी गेंद थी पिछली गेंद, खासकर जिस तरह से लेग कटर टाइप का बॉल था, पीट हुए थे शानू। इसके बाद अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी खुशकिस्मत रहे कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं गई, थोड़ा सा फाइन गई गेंद क्योंकि थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा जरूर लगा था। तो शानू अलीगढ़ इनकी मास्टर क्लास शॉट, सिंगल हैंडेडली जो है छक्कों को लगाते हैं, ये अच्छी गेंद है। और जब जब ये गेंद गिरी है, ये क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमें नजर आया कि जब पकड़ना चाह रहे थे हल्का सा गेंद शायद छिटका था, बट ये गेंद बहुत अच्छी रही है। और इस गेंद पर, इस एरिया में जब जब गेंद डाली गई है शानू अलीगढ़ को, थोड़ा सा ये परेशान हुए हैं, यानी कि कहाँ शॉट खेलने जाएं, डबल माइंडेड हुए हैं। ये गेंद बहुत अच्छी है, इससे पहले हमने बीट होते हुए भी देखा, यहाँ पर भी चारों खाने चित हो सकते थे। ओवर समाप्त हो चुके हैं, सात के बाद 86 रन, दो विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से अगर बात कर लें 23 रनों की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों पर, तो यहाँ से सानू अलीगढ़ी जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई चिंता की बात होगी नहीं यहाँ से। अगर यहाँ से राका 11 इस मुकाबले में वापसी करना चाहती हैं, अगर प्रवेश द्वार तक पहुँचना चाहती हैं, तो सानू अलीगढ़ को वहाँ एग्जिट द्वार दिखाना होगा, तभी आप इस जीत के लिए प्रवेश द्वार में इंटर हो सकते हैं यहां से। इस बार इस गेंद को खेला है, पहला रन तेजी के साथ दौड़ते हुए, क्या दूसरे का प्रयत्न करेंगे वहां से, नहीं करेंगे क्योंकि डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े क्षेत्रक से काफी तेज गति के साथ दौड़कर आए थे वहां और दूसरे रन की किसी भी संभावना को खत्म किया। इस बीच ये गेंद पुनः खेला, इस गेंद को वहां एक ही रन मिलेगा। एक बार पुनः चंदू आए हैं गेंदबाजी के लिए, और क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद की मेरिट पर, क्या इस बार क्रिकेट के गेम में फुटबॉल स्किल्स दिखाई है वहां पर, पांव से रोका है और इसी को फिटनेस कहते हैं। जैसे ही देखा कि जब हाथ पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, तो अपने पांव से इस गेंद को फील्ड कर लिया और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य दो रन बचाए यहां से। इसी प्रकार के एफर्ट्स हैं वो आपके आगे की तरफ लेकर आते हैं, गेंदबाज को कॉन्फिडेंस देते हैं। 15 गेंदों में अभी बचा है 19 रन्स, जो कि लग रहा है अभी चौधरी बालाजी के लिए इजी लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। एंड काफ़ी अच्छा पारी खेला है शानू अलीगढ़, क्या कहना है उनके बारे में, 27 बॉल में 66 रन्स, 7 बाउंड्रीज, 4 सिक्सेस, स्ट्राइक रेट है उनका 244। बिल्कुल कंट्रोल में नजर आए हैं, बिल्कुल संयमित होकर बल्लेबाजी की है,
पेशेंस दिखाया यहां पर और जीत के प्रति पेशेंस भी नजर आए हैं। इस बार खेला है वहां पर बल्लेबाज शानू खान ने इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है वहां पर चार रनों के लिए। प्रत्येक बाउंड्री के साथ कहीं ना कहीं बाहर की ओर जाती हुई यहां से टीम राका इलेवन। इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना के रखी अभी तक चौधरी बालाजी यूपी इलेवन ने। इस बार खराब गेंद, अच्छा नतीजा वहां पर, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया छह रनों के लिए। जी सर, ये कैच हो सकता था बट व्हाट अ ग्रेट शॉट आउट देयर। एंड एंड ऑफ एट ओवर्स स्कोर्स आर 101 for 2 और शतक बना लिया है चौधरी बालाजी ने और अभी सिर्फ बचा है आठ रन्स बचे हैं टू विन दिस मैच। और काफ़ी स्माइल्स देख सकते हैं आप सिप्पी जी और शनु जी के बीच, एंड उनको लगा है कि अभी मैच तो ऑलमोस्ट वो जीत ही गए और लगेगा भी क्यों नहीं, इतना अच्छा शानदार पार्टनरशिप हुआ है। और जब कभी आप इतना बड़ा आंकड़ा आप इंडिविजुअली 10 ओवर्स के गेम में आप अगर 66 रन्स बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और अगर हम बात करें तो शायद जितने टूर्नामेंट्स हुए हैं सबसे अभी तक के लिए सबसे बड़ा रन्स बना है किसी भी प्लेयर ने 66 रन्स आउट देयर विद सच अ गुड स्ट्राइक रेट अगर हम बात करें तो। एंड 8 रन्स आउट देयर ऑफ 12 बॉल्स एंड देखते हैं ये लास्ट 2 ओवर्स कैसे रहता है। हाँ बिल्कुल, आप बात कर रही थी, जहाँ तक मेरे स्मरण है ये हाई स्कोर बिल्कुल हो सकता है, पर संजीव कुलदीप ने संभवतः 32 गेंद पर 70 रन बनाए थे, उस आंकड़े को चेंज कर सकते हैं, उस आंकड़े तक पहुंच सकते हैं, पूरा मौका है यहाँ से। और आपके शब्दों को पूरा कर दिया है इस बल्लेबाज ने, अब संभवतः इस प्रतियोगिता के हाई स्कोरर हैं। He should really consider I'm lucky right now. मैंने जो बातें बोला वो सही हुआ अभी। एंड 72 का स्कोर्स एंड 28 of 72, what an innings played by Shanu Aligarh out there. And अभी सिर्फ बाकी है 2 रन्स एंड इसी के साथ चौधरी बालाजी यूपी 11 wins this match. मैच नंबर 4। चौधरी बालाजी यूपी 11 won this match, and over to the post match presentation with Harshit along with me. और बिल्कुल अब यहां से सीधा चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए और वहां आपके साथ प्रोमिता से बिल्कुल जुड़ने वाली हैं। और अगले मुकाबले के दोनों कप्तान भी बिल्कुल पहुंच जाए, प्रोमिता जी आपके साथ जुड़ने वाली हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। और इस मुकाबले के दोनों कप्तान कमल जी बगड़िया और राका सर भी बिल्कुल जुड़ने वाले हैं। और इस मुकाबले की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद तुरंत अगले मुकाबले का टॉस होगा और आपको लाइव एक्शन अगले मुकाबले के लिए लेकर पुनः हाजिर होंगे।